वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 39th लेक्चर है और इसका टाइटल है प्रिपेयरिंग फॉर द न्यू वेंचर लॉन्च अर्ली मैनेजमेंट डिसीजंस कंटिन्यूड। और इसके अंदर भी आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे। सो इसमें सबसे पहले है एक्सपेंसेस और कॉस्ट आउट गोइंग रेवेन्यू। सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक्सपेंसिस का रिकॉर्ड रखा जाए। जब इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है तो उससे प्रॉफिट भी हासिल होता है और रिकॉर्ड जो होता है एक्सपेंसेस का इजीली मेंटेन किया जा सकता है चेकिंग अकाउंट के थ्रू। और किसी भी बिजनेस के लिए ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि चेक का इस्तेमाल किया जाए पेमेंट्स के लिए, ताकि मेंटेन किया जा सके रिकॉर्ड को टैक्स पर्पजेस के लिए। और कैंसिल चेक्स प्रोवाइड करते हैं प्रूफ ऑफ पेमेंट। सो एंटरप्रेन्योर को मेंटेन करना चाहिए इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय के बारे में आइथर इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और इन अ कार्ड फाइल। सो रिक्रूटिंग हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज। सो स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है बिजनेस को रन करने के लिए। एंटरप्रेन्योर को जनरली नीड टू इस्टेब्लिश एक इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत पड़ती है प्रोसीजर्स की और क्राइटेरिया की हायरिंग करने के लिए नए एम्प्लॉयज। एडवर्टाइजिंग दी जा सकती है लोकल न्यूज़पेपर के अंदर और उसके अलावा रेफरल भी हो सकता है फ्रॉम फ्रेंड्स एंड एसोसिएट। इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर एंट्री लेवल पोजीशन। एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए जो है ये इफेक्टिव है। और सीनियर मैनेजमेंट के लिए जो इफेक्टिव स्ट्रेटजी है वो है नेटवर्किंग विद फ्रेंड्स एंड बिजनेस एसोसिएट्स। और पर्सनल एजेंसीज को भी कंसिडर किया जा सकता है अगर कोई दूसरा इफेक्टिव ऑप्शन ना हो। पर्सनल एजेंसीज एक्चुअली जो वर्ड है वो है पर्सनल एजेंसीज, ये पर्सनल नहीं पर्सनल एजेंसीज। सो एंट्री लेवल होती है, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं और सीनियर्स एग्जीक्यूटिव होते हैं। सो लुक एट द एस्पेक्ट्स किस तरीके से मेंटेन किया जाए रिकॉर्ड जो एंट्री लेवल का, स्किल्ड वर्कर्स का और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का। नाउ द कंपनसेशन ऑफ वर्कर। सो कंपनसेशन जो है, बहुत से वर्कर्स ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस के ऊपर होते हैं और बहुत से मंथली बेसिस के ऊपर होते हैं। सो जो मंथली बेसिस के ऊपर होते हैं उनका जो ओवर टाइम होता है उसका पूरा एक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाए और मंथ के एंड में उनको उस ओवर टाइम के ऊपर उनको एक्स्ट्रा जो है वो पेड किया जाए। तो रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी होता है ताकि फिर उनको उस ओवर टाइम के ऊपर पे किया जाए। सो मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द टीम। सो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है यूजुअली एक रोल मॉडल होता है दूसरे एम्प्लॉयज के लिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द फाउंडर अज्यूम द रोल ऑफ द लीडर ऑफ द लीडर टू द मैनेजमेंट टीम एंड एम्प्लॉयज। जो एंटरप्रेन्योर है वो एक लीडर का रोल प्ले करे। जब वो एम्प्लॉय से कोई काम कराना चाहता है तो खुद उसको करके दिखाए और खुद जो है जाहिर बात है किसी चीज़ को अगर एंटरप्रेन्योर खुद फोकस करेगा और खुद उसको प्रॉपरली करेगा तो जो बाकी दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं जो टीम है वो भी फिर उसको प्रॉपरली तरीके से करेगी। अगर एंटरप्रेन्योर खुद एक चीज़ को फॉलो नहीं करेगा तो एम्प्लॉयज़ भी उस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे। एंड कम्युनिकेशन करना मैनेजर्स के साथ और एम्प्लॉयज़ के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ में से है। तो ये था लेसन नंबर 39। आपको अगर कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये स्लाइड्स अपलोड कर दी जाएंगी। आप इन स्लाइड्स को हासिल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। लेकिन अगर आपको लिंक न मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।